आजकल देश में एक चर्चा का विषय है, बल्कि पूरे विश्व में यह खतरा पैदा किया हुआ है, जिसे हम कह तो रहे हैं कि धार्मिक कार्य है, लेकिन यह एक जबरदस्ती होने वाला धर्मांतरण है। धर्मांतरण में होता क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि करना भी जरूरी है और इसके सच्चाई को सभी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। धर्मांतरण में किसी ऐसे नए धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है, लोभ दिया जाता है या धमकी दिया जाता है, जिसके बारे में उक्त व्यक्ति को कुछ जानकारी नहीं रहती है, और वह धर्म धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति के पिछले धर्म से पूर्णतया भिन्न होती है। एक ही धर्म के किसी एक संप्रदाय से दूसरे धर्म में होने वाले परिवर्तन, जिसका भक्ति, ईश्वर, प्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। इसके अंतर्गत खास दो ही तरह के लोग फंसते हैं, या तो जो अत्यंत गरीब होते हैं, या जो अज्ञानी या यूं कहें कि नाबालिग होते हैं। इसमें भी कई कैटेगरियां हैं, जैसे ईसाई बैपिस्ट से मेथोडिस्ट या मुस्लिम सिया से सुन्नी बनना। सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया को धर्मांतरण के बजाय पूर्ण संबद्धता कहा जा रहा है, लेकिन यह एक अन्याय का कार्य है, जिसमें लोगों का लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जिस धर्म के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उस धर्म में उन्हें जबरदस्ती सम्मिलित करके कुकर्म कराना, उनके साथ गलत कार्य कराना, उनको अपने धर्म के साथ जोड़कर प्रलोभन के माध्यम से शादी कराने के लोभ का लोभ देकर या अन्य किसी तरह से उन्हें बरगलाना, यह एक अत्यंत ही गंदा कार्य है। और आज यह जो कार्य है, यह पूरे विश्व में यह एक युद्ध का स्वरूप लेते जा रहा है, जिसके कारण गृह युद्ध जैसी हालात भी कई देशों में बनते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है धर्म के प्रति कट्टर होना। जो लोग अनेक कारणों से विभिन्न धर्मों में धर्मांतरित होते हैं, जिनमें विश्वास में हुए धर्म परिवर्तन के कारण स्वेच्छा से होने वाला धर्म सक्रिय या द्वितीय धर्मांतरण का रूप होता है, मृत्यु शैया पर होने वाला धर्मांतरण, किसी लाभ के लिए किया जाने वाला धर्मांतरण तथा वैवाहिक धर्मांतरण एवं बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण, इस तरह के कार्यों में शामिल है जो कृतज्ञ रूप से सम्मिलित नहीं होता है। ईसाइयों का मानना है कि धर्मांतरण के लिए नई विश्वास प्रणाली को आत्मसात करना आवश्यक होता है। इसमें धर्मांतरित व्यक्ति की स्वयं की पहचान के लिए एक संदर्भ बिंदु निहित होता है, और वह उस धर्म तथा संबद्धता दोनों के विश्वास तथा सामाजिक संरचना का मामला है। परंतु मन से किसी धर्म को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के जितने भी मामले विश्व पटल पर सामने आते हैं, उसमें 99.9% स्वैच्छिक धर्मांतरण नहीं है। हम कह सकते हैं कि या तो यह मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराया जाता है, या वह धर्मांतरण किसी दबाव में या किसी लोभ में या किसी तरह के रणनीति के तहत कराया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए एक विश्व पटल पर बहुत जबरदस्त खतरे का घंटी बजा रहा है। विशेष रूप से इसमें एक नई विश्वास प्रणाली को ईमानदारी से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह स्वयं को अन्य तरीकों जैसे किसी पहचान समूह या आध्यात्मिक वंश में शामिल होकर भी प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात यह धर्मांतरण नहीं है, यह जबरदस्ती किए जाने वाले धर्म परिवर्तन में आता है। अपने लाभ के लिए किया जाने वाला धर्मांतरण या पूर्ण संबद्धता एक पाखंड है, जो कभी कभी अपेक्षाकृत मामूली कारणों से किया जाता है, जैसे किसी अभिभावक द्वारा अपने बच्चों का धर्मांतरण करवाना, ताकि वह किसी विशिष्ट धर्म से जुड़े किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश पा सके, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा इसलिए धर्मांतरण किया जाता है ताकि वह उस समाज वर्ग में शामिल हो सके जिसमें शामिल होने की वह इच्छा रखता है, और उस समाज के होने वाले कुरीतियों का लाभ उठा सके। जब लोग विवाह करते हैं, तब भी पति या पत्नी में से कोई अपने जीवन साथी के धर्म को अपना सकता है, अपने पति पत्नी के धार्मिक संबंध को समान बना सकता है, लेकिन अगर यह स्वेच्छा से होती है तो अलग बात है, लेकिन यह किसी तरह के दबाव में, बंदूक की नोक पर
या धन के बल पर या किसी तरह के सामाजिक संगठन द्वारा या अपनी मेजोरिटी का लाभ उठाने की प्रक्रिया धर्मांतरण नहीं एक पाप है। बलपूर्वक होने वाले धर्मांतरण में किसी जबरदस्ती के तहत दूसरे धर्म को ठीक वैसे ही अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है, कबूल कराया जाता है, जैसे एक शाकाहारी व्यक्ति को जबरदस्ती मांस खिलाया जाता है। संभव है कि इस स्थिति में धार्मिक व्यक्ति गुप्त रूप से अपने पूर्व धार्मिक विश्वास को बनाए रखे और गुप्त रूप से अपने मूल धर्म की पद्धतियों का पालन जारी रखते हुए बाहरी तौर पर नए धर्म का पालन करके सिर्फ दिखावा करे, सिर्फ वो समाजों के डर से ऐसा करे। यह एक धर्म परिवर्तन नहीं है, यह एक पूरी तरह से पखंड है। हो सकता है कि बलपूर्वक धर्मांतरित किया गया परिवार कुछ पीढ़ियां बीत जाने पर सच्चे दिल से पुनः अपने फिर उसी धर्म को अपना ले, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी उस धर्म के प्रति। अन्याय के द्वारा किसी दूसरे धर्म या विश्वास प्रणाली को व्यक्ति को धर्मांतरित करने का प्रयास धर्म परिवर्तन का एक अंग है, लेकिन उसके लिए धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति का श्रद्धा, निष्ठा और लगाव, ईश्वरीय प्रेम उस पद्धति से आवश्यक माना जाता है। धर्मच्युत एक निंदनात्मक शब्द है जिसकी निंदा की जानी चाहिए, जिसका प्रयोग किसी धर्म या धार्मिक शाखा के सदस्यों द्वारा उस धर्म या शाखा का त्याग कर देने वाले व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। परंतु वर्तमान में होने वाले धर्म परिवर्तन इच्छा और सद्भाव पर नहीं बल्कि जबरदस्ती पर टीका है। यह एक सामाजिक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल तो धर्म परिवर्तन का धंधा एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले लिया है और इसके नीतियां भी बहुत बदल गई हैं। अब धर्म प्रचार कर या चर्चा कर या साहित्य का प्रसार कर या अन्य धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर लोग अपने धर्म के प्रति लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें धन बल के नोक पर धन बल का प्रलोभन देकर, अपने ताकत का अंदाजा कराकर, तरह तरह के जुमले फैलाकर, भय का माहौल बनाकर उन्हें अपने धर्म में जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। पहले धर्म अपनाए जाते थे, पर अब धर्म बदलवाया जाता है। इसके लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसे लव जिहाद। इसमें कम उम्र की लड़कियों को पहले दूसरे संप्रदाय के लड़कियों से दोस्ती कराई जाती है, फिर वही लड़कियां अपने संप्रदाय के लड़कों के साथ मदद करके उसे प्यार में फंसा देती है और फिर उसके इज्जत के साथ खेला जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करने का कोशिश किया जाता है, जिसका नया स्वरूप वैवाहिक धर्म परिवर्तन ले रहा है। पुनः उस लड़की को गलत धंधे में भी ढकेला जा सकता है, क्योंकि उसको बार बार निंदित किया जाता है कि यह दूसरे संप्रदाय की है और हमारे संप्रदाय में कभी मिल नहीं सकती है। एक तो इसका कारण ये होता है कि वह व्यक्ति कुंठित होता है और वो अपने व्यक्ति से फिर पुनः जाकर जुड़ नहीं सकता है। इसका फायदा दूसरे समाज के लोग उठा रहे हैं। इसका मूल कारण दो है। एक, विश्व में अपनी मेजोरिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है, और दूसरा, इसमें दूसरे धर्म के आचरण को, व्यवहार को, नीतियों को गलत दिखाया जा रहा है, जो कि अध्यात्म का कहीं से कोई हिस्सा महसूस नहीं हो रहा है। अर्थात आप सभी को इस बात से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है कि इस धर्मांतरण के पद्धति में कैसे अपने आप को बचाया जाए, जो धर्मांतरण ऐसा स्वरूप ले लिया है कि कुछ लोगों को अत्यंत अमीर की स्थिति में पहुंचा दिया है। वह इसी का धंधा कर रहे हैं, इसी का बिजनेस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराकर वह विश्व स्तरीय संगठन से इनाम पा रहे हैं। अब मैं निष्कर्ष के रूप में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हर प्रकार के धोखे से बचे और अपने लोगों को बचाएं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि सब धर्म महान है, सभी के देव या इष्ट अच्छे हैं। आप अपने धर्म को आत्मा से स्वीकार करें, उसमें मन लगाएं, उस पूजा पद्धति को अपनाएं, किसी प्रलोभन या साजिश का हिस्सा न बने। अगर मेरे सब धर्मों के प्रति मेरा विचार बेहतर है तो ये अच्छी बात है। हमें सभी धर्मों का स्वागत करना चाहिए, सभी धर्मों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये अपने माइंड में
एकदम पंच कर लेना चाहिए कि सबसे बेहतर हमारा धर्म है, जिस धर्म से हम निकले हैं, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म से हमारी पहचान है, उस धर्म का कीर्ति पताका हमेशा फहरते रहना चाहिए। अर्थात यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि धर्मांतरण के जाल में फंसे नहीं और लोगों को फंसने से भी बचाएं। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, क्योंकि धर्मांतरण लोग हो नहीं रहे हैं, जबकि धर्मांतरण लोगों को होना चाहिए। धर्म परिवर्तन करना और धर्म परिवर्तन कराना, यह दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि आज की दुनिया में धर्म परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यह एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। सावधान हो जाएं और अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उन्हें संस्कार की शिक्षा दें, उन्हें साहित्य की शिक्षा दें, उन्हें धार्मिक कहानियों से जोड़ें, उन्हें अपने पास बैठाकर ज्यादा से ज्यादा अपने रीति रिवाजों से रूबरू कराएं। पुनः मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक